ಯಶೋಮತಿ ಮೈಯಾಕೆ ನಂದಲಾಲ. देख वसंता, अब कैसे सारा का सारा माखन बेचकर जे धनी ग्राहक से धन बटोर लेती है तेरी मैया. देखो 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 कैसे छटपटा रहा है. अपने प्राणों को बचाने के लिए कितना व्याकुल है, कैसे इस जाल से मुक्त होने के लिए तड़प रहा है. यही दशा गोकुलवासियों की भी होने वाली है, क्योंकि वो भी शीघ्र ही इस चूहे की तरह लोभ के जाल में फंसने वाले हैं. आओ आओ श्रीमान, पधारो. सब झटक लूंगा. हैं? हैं? सब ले लूंगा. देखो श्रीमान, पूरे गोकुल में मुझसे अधिक स्वादिष्ट माखन किसी के पास ना होगो. अब अच्छे गुणवत्ता की वस्तु सस्ती थोड़ी ना होगी. किंतु व्यापारी परमानंद सस्ती वस्तुएं लेता भी नहीं है. एक बार फिर सोच लो श्रीमान, हर मक्खन के मटके के बदले पूरे 2 सिक्के लेती हूँ मैं. 2 सिक्के? कहीं अधिक तो ना बोल दियो मैंने. पहली बार आयो ना, तो हर 2 मटके पे 1 सिक्का कम कर दूंगी. चार मटके लोगे तो 1 और सिक्का कम कर दूंगी, लेकिन इससे अधिक कम कर ना पाऊंगी. छूट देकर मूल्य आधा कर रही है आप. मैं तो 2 गुना मूल्य देने के लिए तैयार हूँ. दो गुना मूल्य तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है. सारी की सारी मटकियां चाहिए मुझे. सब तो भाव कम कराते हैं, ये तो बढ़ा रही है. हाँ तो जे भी कोई पूछने की बात है, जे ले लो जे सारी की सारी मटकियां आपकी. लोभ में आकर लिया गया कोई भी निर्णय लाभकारी ना होता लल्ला. अच्छा जे बता, जो लोभ में आके तूने जे सारे लड्डू खा लिए तो क्या होगो? क्या होगो मैया? पेट दुखेगो लल्ला. पीड़ा होगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगो. फिर सोच ले, तू घर से बाहर ना निकल पाएगो. ये नारायण लोग तो सच्ची में बहुत भयंकर है, इससे तो बच के ही रहना पड़ेगा. पर बचा कैसे जाए? अब फंस गए गांव वाले. जैसे ही ये मेरे सिक्कों की चमक दमक खनक देखेंगे, मेरे जाल में ऐसे फंसेंगे
जैसे कि ये मूर्ख स्त्री। ये लीजिए, सामान्य मूल्य से दो गुना मूल्य। अच्छा मूल्य दूंगा तो ही तो अच्छी वस्तुएं मिलेगी ना मुझे। भाइयों, मैं मथुरा का सीधा साधा व्यापारी परमानंद हूं। मेरी मिठाइयां विदेशों के अनेक राज्यों में बेची जाती है, इसलिए मुझे सदैव सर्वोत्तम दूध के उत्पादों की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि गोकुल में दूध के सर्वोत्तम उत्पाद मिलते हैं, मैं यहाँ चला आया। अब जिसे भी मेरी तरह धन अर्जित करना हो, उज्जवल भविष्य बनाना हो, वो मेरे साथ व्यापार कर सकता है। बस आपको मुझे एक वचन देना होगा। अपने आराध्य नारायण का नाम लेके प्रण करना होगा कि आज के बाद आप अपना सारा दूध, दही, मक्खन, घी मुझे और केवल मुझे ही देंगे। ताकि इनका प्रबंध करने के लिए मुझे कहीं और भटक ना ना पड़े। जो एक बार लोभ के जाल में फंस गया वो फिर कभी बाहर नहीं आ सकता। अधिक से अधिक और अधिक और अधिक पाने के लोभ में अपना सब कुछ खो बैठता है। और फिर धीरे धीरे उसकी संघर्ष क्षमता समाप्त हो जाती है और फिर जो बचता है वो यमदूत की प्रतीक्षा करने वाला केवल एक जीवित शव और कुछ नहीं। आपको अभी निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं परसों सूर्यास्त के समय एक बार फिर आऊंगा, तब आप अपना निर्णय मुझे बता दीजिए। किंतु मेरे साथ व्यापार करने पर क्या होगा, इसकी मैं झांकी दिखाऊंगा आपको। आज आप सभी इस हाट में जो लेकर आए हो वो सब लेकर जाऊंगा मैं, वो भी दुगना मूल्य देकर। मैं तैयार हूँ व्यापारी जी। तू खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही है, चल सारी मटकियाँ लेके आ। हाँ मैया। जाइए जाइए जाइए। बस इसी तरह जब गोकुल के वासी थक हार कर मेरे चरणों में गिर जाएंगे, क्षमा मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, दया की गुहार लगाएंगे, तब मैं उस नंद को गोकुल में छुपे उस चूहे के साथ यहां आने पर विवश कर दूंगा। इसे तो मैंने प्राण दान दे दिया,
उसे नहीं दूंगा। अरे वचन जो दिया है तुम्हें कि सबसे पहले मैं तुम्हारी इन आंखों के सामने उसके प्राण लूंगा और फिर तुम्हारे आपके सिक्के अब कौन उतरे, कौन झुके, कौन उठाए, रहने दीजिए। ऐसा समझेंगे धरती माता को दान दे दिया। चलो भाई चलो। आज तो बहुत अधिक धन मिल गो। कोई और माने ना माने, मैं तो परसों ही जाकर व्यापारी जी को हाँ बोल दूंगी। फंस गए गांव वाले। बोलो ना आप दोनों, लोग वाले राक्षस से कैसे बचा जा सकता है? संतुष्टि से। ये संतुष्टि कौन है? संतुष्टि एक साधारण सी कला होती जिसमें प्रवीण होने के लिए एक बात सीखना आवश्यक है कि हमारे पास चित्ता है उत्ते में प्रसन्न रहना चाहिए। पर अधिक मिल जाए तो अपने परिवार या अपने सखाओं के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे उसकी आवश्यकता हो बांट लेना चाहिए, ताकि सबके पास पर्याप्त हो और किसी को भी कछु कमी ना हो। किसी को वस्त्र के बिना रहना ना पड़े, भोजन के बिना सोना ना पड़े। और वैसे भी कान्हा, हम जितना अपनी वस्तुओं को बांटते हैं ना, उससे कई गुना अधिक नारायण हमें दे देते हैं। पर मैया, बस अब शेष प्रश्न घर जाके पूजा पूरी करने दे मुझे। मैया ने भोग चढ़ाने तक ठहरने को गई थी, अब तो चढ़ गो भोग। राजा सबके सब लड्डू लाया हो तुम्हारे लिए। हम तो तुझे भाव करके भयभीत करने वाले थे। तुझे कैसे पता चला और कब? जब से तुम सबने हाथ में मेरा पीछा करना आरंभ किया था तभी पता चल गया था मुझे। मैं भी तुम सबके साथ आने वाला था पर मैया ने रोक लियो। इससे पहले कि मैया मुझे रोक ले भागो। जे भागो और लड्डू भी ले गाओ। क्या होगा? फिर लड्डू लुप्त हो गए, लल्ला लुप्त हो गए, परंतु तुम्हारा घबराया हुआ स्वर अभी तक दसों दिशाओं में ना गूंजो। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं सदैव घबरा के आसमान सर पे उठा लेती हूँ। मेरा जी अर्थ ना है सुधा। ना ना मुझे पतो है,
मैं लल्ला को लेके अधिक चिंतित हो जाती हूँ, पर इस समय मुझे कछु चिंता ना है, क्योंकि मुझे पता है वो लड्डू लेके सीधा कहाँ गया होगो। वही जहाँ पूरी टोली मिलके खेलने जाती है, जानकी के घर के पास वाले मैदान में। आ जाओ रे सबके सब, घेरा बना लो, सब लोग बैठ जाओ। वही पेड़ के नीचे बैठ के सबको लड्डू बांटे गोजे। लो मधुमंगल, ले सुबल। वसंता तू भी ले। सुनी ना मैया ने क्या की, दो बहुत भयंकर ऋतु है, बहुत भयानक। ताई जी ने ये भी तो कही थी कि आवश्यकता से अधिक की इच्छा करना लोभ हो तो है, पर मेरी तो आवश्यकता ही अधिक है काना। इतने भारी भरकम तन में एक लड्डू कहाँ जाओगो, कुछ पता भी ना चलोगो। फिर तुझे दो ना चार लड्डू देने पड़ेंगे। तो पस करना है कर लो, पर लड्डू तो दो। और जैसे ही जे बालक लड्डू खाने को होंगे, उनके मुंह तक पहुंचने से पहले ही कान्हा उन्हें रोक देगा। रुको, रुक क्यों थी हो काना? दाऊद को तो आने दो बसंता, उनके बिना कैसे खा सकते हम अकले अकले। पर तुम्हें ये सब कैसे पता यशोदा? अरे एक मैया से अधिक अपने संतान को कौन जानतो है भला। कान्हा अपने दाऊ के बिना कुछ कर ही ना सकता, अब चाहे खेल खेलना हो या अपनी मैया के हाथ के लड्डुओं का आनंद उठाना। जहां कान्हा होगो वहां उसके बल दाऊ को तो होनो ही है। विलंब की आशंका से घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। खेलोगे कि कोई खेल भी खेलोगे? गिल्ली डंडा, सुपाई सुपाई, ना ना पकड़ा पकड़ी। कछु नया खेल भी सुझाओ ना। मैं बताता हूँ, एकदम नया खेल है। स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी ने इसका आविष्कार किया है और स्वप्न में आके बताया है मुझे। और इसमें ना, लो आरंभ हो गया बड़बोला। अरे पर खेल का नाम तो बता उज्जवल। खेल का नाम है साथी दौड़। साथी दौड़, पर खेलते कैसे है इसे? बस एक साथी दूसरे साथी का पैर अपने से बांधता है और दौड़ लगाता है। तो चलो अपना अपना साथी चुनते हैं। लड्डुओं का भोज करके सब खेल में ऐसे मगन हो जाएंगे कि कोई घर आने का नाम भी ना लेगो।
पर एक बार जो भूख लगी आई तो फिर देखना कैसे मैया के। क्या हुआ यशोदा, रुक क्यों गई? देखो जी भीतर। ये कौन है? जैसे साक्षात मैया लक्ष्मी। सुलक्षणा, यशोदा जी, नंदराज। नारायण 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 नारायण। वो साधु महात्माओं की तरह अपना भविष्य देख रही थी। दोनों हाथों से धन बरस रहा था, स्वर्ण के सिक्कों के सागर में तैर रही थी। लग तो है दीवा स्वप्न देख रही थी। और सुलक्षणा बताओ कैसे आना हुआ, वो भी इस वेशभूषा में? अच्छी लग रही हूँ ना मैं रानी जैसी? क्षमा करना, वो तो आप हो ना। अब बताओ भी जे सब क्या है? जे ही तो धनवान बनने का संकेत है यशोदा जी। अब बहुत सारा धन आएगो तो धनवान दिखनो भी तो चाहिए कि ना। कहना क्या चाहती हो? जे ही के साक्षात कुबेर भगवान आए हैं गोकुल को समृद्ध करने है? कुबेर महाराज?